कहते थे कि आप लोगों ने हमें इतनी उम्मीदें दिला दी, सीपैक ये कर देगा, सीपैक वो कर देगा, लेकिन हमारी जिंदगियों में तो कोई बेहतरी नहीं आई। जब चीनियों ने कहा कि हमने वाइन फैक्ट्री लगाई, हुकूमत ने उनको इजाजत दे दी, फिर उन्होंने क्या हुआ कि वहां पे दुकानें खुल गई वाइन की, लेकिन वो रिसेंटली वो दुकानें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि मौलवियों ने कहा, हम प्रोटेस्ट किया जो अब सीपैक के हवाले से वो मौलवियों ने प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर, और मौलवियों के प्रेशर के अंदर हुकूमत ने वो सारी वाइन शॉप बंद करा दी हैं। अब 2015 में आपको पता है सीपैक शुरू हुआ और पाकिस्तान ने इसको गेम चेंजर कहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन ये पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो 25-25% मार्केट से महंगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि अमेरिका समेत नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं और अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत भी कायम कर ली है। इन 3 महीनों में बदतरीन मौशी तबाही और इंसानी बहरान के अलावा कई मसाइल ने जन्म लिया है, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। हेलो फ्रेंड्स, अपना हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया में कमर चीमा बता रहे किस तरीके से बलूचिस्तान के अंदर मौलाना और चाइनीज़ के अंदर अनबन हो गई है और उन्होंने चाइनीज़ फैक्ट्री जो शराब बनाती थी उन्हें बंद करने का फरमान सुना दिया, जिसके बाद इमरान खान की टेंशन इतनी बढ़ गई उन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, और उन्होंने कह दिया कि हम इनको चलने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इससे पता चल जाता है कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और बलूचिस्तान में काफ़ी चीज़ें उबाल पर हैं। और साथ ही साथ कमर चीमा बता रहे किस तरीके से चाइनीज़ हमें लूट रहे हैं, हमसे 25% ज़्यादा ले रहे हैं मार्केट रेट से इंडस्ट्री लगाने के लिए या कोई और प्लांट्स लगाने के लिए। इसी चीज़ से पता चल जाता है हमारी सरकार ने कितने गंदे एग्रीमेंट किए हैं चाइना गवर्नमेंट के साथ। और अगले वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया झूठे आंसू बहा रहा है अफगानिस्तान की करंट सिचुएशन के ऊपर, वो कह रहे हैं वहाँ पर भुखमरी फैल गई। ये चीज़ पाकिस्तान को पहले समझना चाहिए थी जब तालिबान का सपोर्ट कर रहे थे, ये उस समय इन्हें याद नहीं आया कि अगर तालिबान आ गया तो दुनिया कोई इनकी मदद नहीं करेगा और अफगानिस्तान के हालात गंदे हो जाएंगे, और अब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं मीडिया में बैठ के। आइए फ्रेंड्स इस वीडियो को देखते हैं। और दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो मामलात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं चल रहे। मैं चाह रहा था कि इस पर बात की जाए कि क्यों पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मामलात इतने अच्छे नहीं हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, COVID-19 एज ए पेंडेमिक इसने चीजों को स्लो किया है, फिर उसके बाद यह है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट भी है, सीपैक स्लो है। क्या यह मसला पाकिस्तान की तरफ से है या क्या यह मसला चाइना की वजह से है? अब 2015 में आपको पता है सीपैक शुरू हुआ और पाकिस्तान ने इसको गेम चेंजर कहा कि ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों को समझ लगा कि गेम चेंजर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रिंग्स भी बड़ी अटैच है। ये पाकिस्तान को जो प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो 25-25% मार्केट से महंगे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। मतलब अगर चाइना फॉक्सम पाकिस्तान में कोल प्रोजेक्ट्स लगा रहा है तो मार्केट में अगर वो $100 मिलियन का एक प्रोजेक्ट लग रहा है तो पाकिस्तान को वो $125 मिलियन का दे रहे हैं, और जो वो यहाँ पे चीजें इस्तेमाल करते हैं फैक्ट्रीज में या इन चीजों में तो वो सारी तो वो चाइना से लेके आते हैं, यहां से वो तो रेत बजरी लेते हैं, जो दिस इज व्हाट द पाकिस्तानी ऑफिशियल्स आर सेइंग। और रिसेंटली जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक अथॉरिटी के जो हेड है उन्होंने कहा कि हमने 2 लेटर भी लिखे हैं चाइनीज हुकूमत को, कंपनीज को, कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट तेज करें, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि रिसेंटली जो बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था कि वहां पे हुकूमत ने जो वाइन शॉप्स बंद की हैं और वाइन्स की फैक्ट्रियां चल रही थी, वो इनिशियली ये कहा गया जी कि ये बेसिकली वो जो चीनी वहां पे हैं ये उनके लिए वाइन्स हैं। लेकिन आपको इस बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में इस्लामिस्ट पार्टीज भी मौजूद हैं, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है, ये बहुत ज्यादा सीटें जीतते हैं बलूचिस्तान से, और इनका अमूमन बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली होती है वहां पे किसी ना किस्म का जरूर कोई ना कोई रोल होता है। अच्छा, इन चीजों को सारी को देखते हुए हमें ये अंदाजा होता है कि वो चीनियों ने कहा कि हमने वाइन फैक्ट्री लगाई, हुकूमत ने उनको इजाजत दे दी, फिर उन्होंने क्या हुआ कि वहां पे दुकानें खुल गई वाइन की, लेकिन वो रिसेंटली वो दुकानें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि मौलवियों ने कहा, हम प्रोटेस्ट किया कि हम ये दुकानें नहीं चलने देंगे। हुकूमत को शायद ये था, हुकूमत शायद एक टर्न अराउंड लेके आना चाह रही थी, जो अब सीपैक के हवाले से वो मौलवियों ने प्रेशर डाला हुकूमत के ऊपर, और मौलवियों के प्रेशर के अंदर हुकूमत ने वो सारी वाइन शॉप बंद करा दी है। इसी तरह पिछले साल इसी दौरान चाइनीज इन्वेस्टमेंट को $154 मिलियन की थी। इट मींस कि हर आए दिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो रही है। और ये जो जिसे आप कह लें कि
ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत नीचे चली गई है। अब मजे की बात यह है कि जो यूनाइटेड नेशंस ने भी एक डाटा शो किया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानियों ने भी चाइना से चीजें इंपोर्ट करनी बंद कर दी हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये चाइनीज हमने क्यों चीजें इंपोर्ट करना बंद किए, यहाँ पे लोगों की इस्तेमाल नहीं कर रहे, या वो इस्तेमाल नहीं हो रही, या मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है, या पाकिस्तानियों ने कोई और मार्केट ढूंढ ली है। जो चाइनीज एक्सपोर्ट थी वो भी डिक्लाइन हो गई है। 2017 में चाइना की एक्सपोर्ट पाकिस्तान में $15 बिलियन थी, लेकिन ये जो ट्रेंड है वो नीचे होता होता अभी 2020 में जो है वो तकरीबन $12-13 अरब तक आ गया है। तो ये इट मींस कि ये एक बड़ा है, हुकूमत यहाँ पे कहती रही ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, इमरान नवाज शरीफ साहब भी कहते थे, सारे कहते थे। लोगों के, मैं रिसेंटली मुझे एक मौका मिला एक कॉन्फ्रेंस पे जाने का, तो वहां पे बहुत सारे बलूचिस्तान के स्टूडेंट आए हुए थे, तो वो जो सवाल हमें कर रहे थे, वो सीपैक के ऊपर ये कॉन्फ्रेंस थी, तो सवाल जो कर रहे थे वो बड़े चुभे हुए सवाल थे। वो कहते थे कि आप लोगों ने हमें इतनी उम्मीदें दिला दी, सीपैक ये कर देगा, सीपैक वो कर देगा, लेकिन हमारी जिंदगी में तो कोई बेहतरी नहीं आई। जिससे एक ये होता है कि अवाम के अंदर जो हुकूमतें हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा इतनी चीजें बेचने के लिए मंजन होता नहीं है, तो वो फिर क्या करते हैं, इतनी उम्मीदें लगा देते हैं लोगों की, और फिर जब वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होता तो फिर बड़ा नुकसान होता है, और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन मजीद पैदा होती है कि हुकूमत जो है वो तो इस काबिल ही नहीं है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान, चाइना के अलावा कोई मुल्क जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टोरी को किसी ने रन नहीं किया, चीनियों ने रन किया, लेकिन हमारे लिए मिसाइल भी बहुत ज्यादा हुई। उन्होंने हमें फ्री मार्केट ही समझा, उन्होंने कहा जिसको यहाँ पे कुछ था नहीं, उन्होंने कहा जो बेचोगे ये ले लेंगे, जो भी बेचोगे ये ले लेंगे। और दूसरा ये है कि इस वक्त मिसाल के तौर पे जो लाइन मेन लाइन वन रेलवे प्रोजेक्ट था, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट एक सीपैक का कंपोनेंट था, $6.8 बिलियन का, जिसमें कराची पिशावर रेल लिंक जो था वो अपग्रेड करना था, चाइना ने पाकिस्तान को $6 अरब उसमें देने थे, लेकिन वो भी डिफरेंसेस होने की वजह से वो नहीं हो सका। और अब ये देखा जाए जो चाइनीज एम्बेसडर हैं वो थोड़े असर्टिव हैं। चाइनीज एम्बेसडर ने सुनने में आया कि दो अक्सर जो बलूचिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को या इस्लामाबाद में बहुत सारे लोगों को कहते हैं, ठीक है अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो ना लें, आप हमारे प्रोजेक्ट्स को सीरियस नहीं ले रहे, आप हमारी चाइनीज कंपनी को परमिशन नहीं देते, आपने ये जो कोल फायर प्रोजेक्ट्स से इतने स्लो कर दिए हैं उनके लिए आप देते नहीं है। दिया इंतहा पर हैं, जबकि खुराक से महरूम लाखों बच्चे अफगानिस्तान की यख बस्ता सर्दी में अद्वियात समेत दूसरी कई जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, अशिया हैं, उनसे महरूम हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त संगीन किस्म का इंसानी बहरान शुरू हो चुका है, पैदा हो चुका है। लाखों ख्वातीन और बच्चे सारी दुनिया को उम्मीद से भरी निगाहों से तक रहे हैं। 3 महीने से ज़्यादा का वक्त हो चुका है कि अमरीका समेत नेटो फोर्सेज अफगानिस्तान छोड़कर जा चुकी हैं, और अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत भी कायम कर ली है। इन 3 महीनों में बदतरीन मौशी तबाही और इंसानी बहरान के अलावा कई मसाइल ने जन्म लिया है, मगर दुनिया का कोई भी मुल्क इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान की तरफ तवज्जो नहीं कर रहा। जब अकेला पाकिस्तान दुनिया को अफगानिस्तान में पैदा होने वाले मसाइल और आने वाले दिनों में इसके भयानक नतायज की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिशों में लगा हुआ है, जबकि सऊदी अरब ने भी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर OIC का इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर करने के लिए OIC वज़ीर ख़ारजा काउंसिल का गैर मामूली इजलास बुलाकर सऊदी अरब ने बड़ा अहम कदम उठाया है। पाकिस्तान इस की मुकम्मल तायद और हिमायत करता है। अफगानिस्तान के इशू पर यह इजलास 17 सितंबर को मुनक़िद होगा, जिस पर शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को पेशकश की है कि जो इजलास है ये इस्लामाबाद में मुनक़िद किया जाए।